अच्छा डिसीजन रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक। जस्टिस, जस्टिस। सभी को नमस्कार। जो आज प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, हम लोग लंबे समय से इस सैक ऑर्डर को रिवोक करने के लिए प्रदर्शन करते आ रहे हैं, परंतु जम्मू कश्मीर की सरकार को सुनने का नाम नहीं ले रही है। जो 100% डीपीसी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन टीचरों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आरटीई है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि ऐसा 100% डीपीसी दिया जाएगा जिसके कारणवश अगले 10 से 15 वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर टीचिंग लाइन के अंदर 10+2 लेक्चर के अंदर कोई भी जॉब नहीं आएगी, इसका विरोध छात्र लगातार से करता आ रहा है। इसलिए हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार से मांग है कि 80% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, चाहे वो लेक्चरर हो चाहे वो जनरल लाइन का टीचर हो, 20% डिपार्टमेंट प्रमोशन करना चाहिए, परंतु जम्मू कश्मीर की सरकार है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। हम लोगों ने ट्राई की, हम लोग एडवाइजर से मिले, हम लोग जो है पिछले दिनों जो है हमारे स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे भी हम लोग मिले, परंतु उनके भी ये वो भी ये कह रहे हैं कि ये सरकार द्वारा एक ब्लंडर किया गया है। जो आने वाला भविष्य है छात्रों का, जो आने वाला भविष्य है जो विद्यार्थी आज PhD कर रहा है, जो आज MPhil कर रहा है, यदि उनको लेक्चरर ही रिक्रूट नहीं किया जाएगा तो किस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ी। इसलिए हमारी मांग है, आज विद्यार्थी ABVP यह मांग करती है कि इस सैक ऑर्डर को रिवोक किया जाए और 80% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% डिपार्टमेंट में प्रमोशन होना चाहिए। यदि इन बातों को सरकार ने नहीं माना, हम लोग कभी चुप नहीं बैठने वाले और ऑर्डर को रिवोक कर ये तभी छात्र जो है तभी शांत बैठेगा, अन्यथा सरकार को अपनी इस पूरी पॉलिसी को बदलना होगा। ये हमारी स्पष्ट मांग है। आने वाले दिनों के अंदर हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर करने वाले, केवल जम्मू विश्वविद्यालय नहीं, अन्य जो अन्य विश्वविद्यालय चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सभी विश्वविद्यालय के लिए इस प्रकार के प्रश्न आने वाले समय देंगे।